चैनल मैं आपकी श्वेता आई हूँ फिर से एक डिलीशियस से डिश के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पुलाव और आइए फटाफट से शुरू करते हैं वेज पुलाव की रेसिपी। तो वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है रॉ राइस। आप ये राइस किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर हाँ कोशिश करें कि ये लंबा लंबा चावल हो। और इस चावल को हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे, तब तक वॉश करेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो आइए हम इसे वॉश करते हैं। तो चावल को धोने के बाद मैंने इस तरह के छन्ने में चावल को रख दिया है ताकि इसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाए और हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले से बने। तो इस तरह से पानी को निकलने दें और तब 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देती हूँ। और अब करती हूँ मैं सब्जियों की तैयारी। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा मोटे तले वाला पतीला और इसे मैंने गैस पे रख दिया है गर्म होने। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा रिफाइंड ऑयल, ये डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल। और अब मैं इसमें डालूंगी, जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूंगी काजू। ये कुछ मैंने काजू ले लिए हैं और इसे मैं धीमी आंच पे फ्राई करूंगी। तो ये मैं काजू फ्राई कर लेती हूँ। काजू फ्राई हो चुके हैं, काजुओं को हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। और हमारे सारे काजू ये आप धीमी आंच पे ही करें, नहीं तो काजू जल सकते हैं। ये हमने काजू फ्राई करके निकाल लिए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ गरम मसाले, जिसमें है ये लौंग, 4-5 लौंग के टुकड़े, दालचीनी, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जावित्री। और ये हमने डाल दिया इसमें कुछ गरम मसाले। जैसे ही हमारे गरम मसाले थोड़े से चटक जाएं, मसालों की खुशबू अच्छी सी आने लगे, ये देखिए मसालों से अच्छी सी खुशबू आ रही है। इलायची दोनों तरह, बड़ी इलायची और छोटी इलायची के मुंह को आप थोड़ा थोड़ा खोल देंगे तो बहुत अच्छा सा एक खुशबू आएगा, अच्छा सा फ्लेवर उसका पूरा मिल जाता है। और हमारे मसालों से खुशबू आ चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से कटे हुए प्याज, प्याज को कर लेंगे हम फ्राई। मैंने 2 बड़े साइज के प्याज ले रखे थे, प्याज को अब हम कर लेंगे फ्राई। दिखाती हूँ। तो हमारे प्याज इस तरह से फ्राई हो रहे हैं और हमें प्याज इस तरह से लेना है कि ये बिल्कुल एक एक स्लाइस अलग अलग टुकड़ों में बट जाए, अलग अलग हो जाए बिल्कुल इस तरह से। तो जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ पनीर के टुकड़े। मैंने पनीर को इस तरह से छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है ताकि चावल के साथ ये खाने में अच्छे लगे। मैं डाल रही हूँ पनीर के टुकड़े ताकि पनीर भी हमारा प्याज के साथ फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स याद रखें बीच बीच में चलाते रहें, हमें प्याज को जलाना नहीं है, अच्छे से इसे फ्राई करना है। जैसे ही आपका प्याज डार्क ब्राउन हो जाए बस आप बाकी सारी सब्जियों को डाल के थोड़ा भून लें। इस तरह से मैंने पनीर को भी थोड़ा फ्राई कर लिया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च और मटर, इन सबको मैं अच्छे से भून लूंगी। आपके पास और भी सब्जियां हो, गाजर तो आप डाल सकते हैं, गाजर भी होता है पर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आपके पास जो सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप
ऐसे भी इसे बना सकते हैं सिर्फ प्याज के साथ भी, प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा दें तो वैसे भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स सब्जियों को आप ओवर कुक ना करें, बस जैसे ही हमारी सब्जियां थोड़ी सी इसे हरापन का खुशबू जैसे ही चला जाता है हम इसमें डालेंगे ये चावल जो हमने पानी से धो के रखे थे, और चावलों को भी मैं 2-3 मिनट इसके साथ अच्छे से भून लूंगी। ये देखिए हमने चावल इसमें डाल दिए हैं और चावल अच्छे से भून लेंगे। चावल डाल देने के बाद आप बहुत ज्यादा मत चलाएं, थोड़ा सिम पे ही रखें और चावलों में पूरा ऑयल लग जाने दें ताकि चावल एक दूसरे से चिपके नहीं। बहुत ज्यादा चलाने से चावल के दाने लंबे लंबे होते हैं तो वो टूट सकते हैं, इसलिए चावल डालने के बाद बहुत ज्यादा न चलाएं और आंच हमेशा धीमा ही रखें। सो फ्रेंड्स चावल भी हमारे भून चुके हैं, देखिए चावल का कलर व्हाइट से हल्का ब्राउन हो चुका है, तभी हम पहचान लेंगे कि हमारा चावल भून चुका है। और हाँ मैं बार बार कह रही हूँ चावल भूनने के समय पे हमेशा आंच को धीमा रखें और चावल को कम चलाएं, थोड़ा सा पेशेंसली इसे भूनना पड़ेगा क्योंकि चावल बहुत ज्यादा चलाइएगा तो टूट जाएगा, और आंच अगर तेज रखेंगे तो हमारे एक दाने भी अगर चिपक गए ना तो पुलाव पूरा जला जला सा टेस्ट आएगा, खराब हो जाएगा। तो हमारे चावल तो पक चुके हैं, बिल्कुल फ्राई हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो पानी हम कैसे अंदाज करेंगे कि हमें कितना लेना है, चावल अगर हम प्लेन राइस बनाते हैं तो हाफ प्लेन राइस बनाने में हम डबल पानी लेते हैं, पर पुलाव में हम डबल पानी नहीं देंगे। अगर मैंने हाफ केजी चावल लिया है तो मैं इसमें 1 केजी से थोड़ा कम ही, 1 लीटर से थोड़ा कम पानी डालूंगी। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने चावल का कलर और पानी का अंदाज भी। आप बिल्कुल डबल पानी इसमें नहीं डाले, ये देखिए ये हमारा पुलाव अच्छे से भून चुका है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये मैंने इसमें पानी अंदाज से डाल दिया है, पानी आप बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखें कि पुलाव आपका चिपके नहीं। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच नमक, बहुत थोड़ी सी चीनी ताकि चीनी से आपका पुलाव सॉफ्ट हो, और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश, काजुओं को जो हमने फ्राई किया था मैं वो भी डाल दूंगी। और अब मैं इसमें एक सीक्रेट मसाला मिलाने जा रही हूँ, वो है मसाला है मैजिक। अगर आप मसाला है मैजिक मिला देंगे तो बहुत ही टेस्टी टेस्ट आएगा इसका पुलाव का, और ये कुछ केवड़ा एसेंस के ड्रॉप्स, केवड़ा एसेंस से बहुत ही अच्छी पुलाव की खुशबू आ जाती है, पूरा ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आपने होटल से मंगवाया है। ये हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दिए, अब मैं आंच को तेज करूंगी और इसे अच्छे से मिला दूंगी, और अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पकने देंगे। ढक्कन लगा दिया है मैंने और इसमें बॉयल आने देते हैं, और बीच बीच में आप, चूंकि ये कुकर नहीं है आप पतीले में बना रहे हो इसलिए आप बीच बीच में इसे खोल के चेक कर सकते हो, पानी अगर कम ज्यादा हो तो आप डाल सकते हो। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी गर्मा गर्म और बिल्कुल खिली खिली सी पुलाव, देखिए ये अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है हमारा डिलीशियस सब पुलाव जो आई एम श्योर बहुत ही टेस्टी होगा, आप सब भी बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और एंजॉय करें इसे घर में ही बिल्कुल होटल जैसा पुलाव। तो प्लीज अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हमारी रेसिपी आप लोग देखिए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।
बाय बाय।